टॉर्च जला के ढूंढोगे तब भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। उसके कदम पड़ते ही घर हीरे जवाहरात से भर जाएगा। कन्या को बुलवाइए ना। नमस्ते, नमस्ते। पूरा रख दीजिए। कन्या बहुत ही सुशील है, घर में खुशी भरा माहौल बना के रखती है। और नाराज हो जाए तो चबा जाती है। दो दिन पहले भी एक लड़का आया था दीदी को देखने, अभी तक कोमा में है। बात ये है, एक बांगड़ू टाइप लड़का आया था। अब लड़की को देखने की बजाय आधा किलो जलेबी ठूस कर वहीं पर लमलेट हो गया। जब मुंह पर मक्खियां भिन भिनाने लगी तो जूस में फिनाइल मिला के लड़की ने लड़के को पिला दिया। आसमान से उतरी अप्सरा, साक्षात अप्सरा जैसी है वो। आजा आजा। जल्दी कर, ये ले, इस पे चढ़ के कूद जा। नैना, हाँ मामा आ रही हूँ। कम 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 कम। चल चल चल, जल्दी कर जल्दी। बाय। अरे यार, वॉचमैन अंकल ने तेरी इतनी मदद की, कम से कम बाय तो कह दे। अरे बुद्धू, वो वॉचमैन नहीं, मेरे डैडी है। नैना बस आने ही वाली है। मम्मा, हाँ? दीदी आज फिर से कूद के भाग गई। किसने उसे भगाया? और कौन भगाएगा? तुम्हारे शौहर ने। जिंदगी में पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी को खुद घर से भगाने में मदद करता है। डैडी चाहते हैं कि मैं लव मैरिज करूं और मम्मी वो चाहती है मैं उनकी पसंद से शादी करूं, और कमाल ये है कि इन दोनों के झगड़े में मेरी तो चांदी। एक बात बता, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? शादी तो मैं कर लूंगी, पर कोई ढंग का लड़का तो मिले। तो कैसा लड़का चाहिए? भावना, एकदम नाम की तरह ही खूबसूरत हो। तुम्हारे चक्कर में कोई मार खा जाता है पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक क्यों गए अंकल, गाड़ी भगाओ। क्यों रे, कॉलेज की लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझ रखा है? आज तेरी सारी मजनू गिरी निकालता हूं। चार लोग मिलके एक को मारें ना इंसाफी है, लेकिन अगर एक चारों को मारे कोई प्रॉब्लम नहीं। बबीता, वो भावना। हाँ, जो भी नाम है तुम्हारा। देखो, लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे भागें तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भागें तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई लड़का अगर मोहब्बत का इजहार करता है तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसे अपनी तारीफ समझो। लड़का पसंद हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल दो, लेकिन ना बोलने के बाद भी वो पीछा ना छोड़े तो उसका ये अंजाम होना चाहिए।
क्यों लोटनपुर के सस्ते भाड़े के टट्टू अकेले आशिक को पीट कर सूरमा बनना चाहता था? बिल्लू इधर आ। इसका नाम बिल्लू है, बहुत अच्छा लड़का है, बीकॉम कर रहा है। मेरी बात मान, तू इत्मीनान से सोच ले, उसके बाद हाँ बोल डाल। देखा जाए तो इतने सारे गुंडों को तुमने अकेले ही धूल चटा दी, तो इस कड़के से शादी करने से अच्छा है मैं तुमसे ही नहीं कर लूँ। हाय। माल लाया क्या? एक दो रुपया चिल्लर भी नहीं मिला? कुछ नहीं, बोला था ना चक्कू धार करके ले जाना, नहीं किया क्या? अरे किया था ना, पर कितना भी कर लो प्लास्टिक प्लास्टिक है भाई। मतलब आज भी चाय पानी का जुगाड़ नहीं होगा? देखिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जा जाकर देख कैंटीन में कोई झूठी चाय छोड़ा होगा तो लेकर आ। बची थी कुत्ते को दे दिया। अरे कभी तो हाँ बोल यार। अरे कम से कम मेरी नहीं तो इस चम्मच की इज्जत तो रख ले, खुद को मेरा चमचा बोलता है। 20 रुपया खर्चा करके सोचा भाई की रुपया मैं करियर बनाऊंगा, पर हाय रे बूटी किस्मत। भाई प्लास्टिक से कोई वसूली नहीं होती, एक काम करो ना भाई, आप खुद चले जाओ। गया था लेने। चल पैसा निकाल। कितना? जेब में जितना भी है सब खाली कर दे। अबे झिंगुर तेरी औकात तो चवने की भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, कुछ मांडवली कर ले। बोला सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, तब से जहाँ बेइज्जती की बात होती है मैं अपने चमचों को भेजता हूँ। ये क्या जनाब, थोड़ा देखकर भी चला सकते हो ना? ओ तेरी राका का बेटा, इसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। अगर चाहूं तो इस जरूरत के लिए तेरी कब्र खोद सकता हूं, आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना भाई। आप उनको यहाँ पर सब लोग चमन भाई बुलाते हैं। अच्छा, मैं आपका चमचा बन के भाईगिरी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट में आपकी फीस दे दूंगा। हाय नैना, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई, चलना कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। हेलो। हाय नैना। बाय। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर मुझसे फ्रेंडशिप में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बचपन से तो मैं कई लोगों को जानती हूँ, तो क्या सबसे दोस्ती कर लूँ? दोस्ती जबरदस्ती नहीं, दिल से होती है। जस्ट लीव मी अलोन। फिक्र नॉट भाई, अगर अंगूर नहीं मिले तो हम लोग संतरा खा लेंगे। अगर आपको संतरा नहीं पसंद तो मैं आपके लिए एक डजन केला ले आऊंगा। वो लड़का कौन है और वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? कौन वो शेडी? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, बचपन में हम साथ में ही पढ़ा करते थे, तभी से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आई रियली हेट हिम। स्कॉलरशिप पर आए हो, दिमाग को काबू में रखोगे तो अच्छा रहेगा। अरे कॉलेज में एक बार एडमिशन मिल गया ना तो कॉलेज अपने बाप का, अरे धमाल मचाएंगे धमाल। बात कर रहा है? गाना होगा, बजाना होगा, एकदम ढिंचैक लाइफ। ए चूजे, मुझे धक्का देता है। क्या रे, ये घूर क्या रहा है मुझे है? तू कौन है झिंगुर? माफ करना दोस्त, गलती हो गई, देखा नहीं इसने। चल निकल।
क्या रे, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं? तुमने रोका क्यों? मैं उसके वहीं हाथ पांव तोड़ देता। अरे यार, हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप पे आए हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें मिलेगा अंडा। अरे ये क्या? एकदम नया जुगाड़ है, सेलफोन कैमरे को टीवी से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा बिल्लू कहाँ है? प्यार का बुखार चढ़ा है। फिर से चढ़ गया? वो कॉलेज की नैना है ना, उसने चैन छीना है। ये नैना कौन है? आगे से सुपर है, पीछे से बम्पर है, एकदम जन्नत की हूर लगती है। हूर लंगूर को क्यों चुनेगी? मैं तेरी बात ही कर रहा। एक काम क्यों नहीं करता, 6 महीने तक उसके आगे पीछे गुलफाम बन के घूम, फिर उससे अपनी दिल की बात कर दे। मैंने कब का बोल दिया यार? मैंने प्यार का तीर चलाया तो था लेकिन निशाना चूक। क्या बोली, पीछे छोड़ दे। ठीक है मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? अरे मतलब उससे बात कर लूंगा। अच्छा, जैसे बस वाली को पटाया था वैसे ही? क्या नहीं, इस बार जरा संभल के बात करूंगा। कमबख्त को बुरी तरह चढ़ गई है। धोखा नहीं देगा ना? ए, कोई गड़बड़ मत करना। मैं तो मजाक कर रहा था इससे, तू देख लेना, मेरा यार हम दोनों को प्यार की नैया में सवार करके हम दोनों का बेड़ा पार लगाएगा, है ना? मुन्ना, तेरी भाभी आ गई। और मैं वहाँ से भाग गई। कौन? वो रेड ड्रेस वाली। तू भी कुछ कम नहीं है। क्या नाम बताया था? नैना। क्या? नैना। ये बचपन से ही ऐसी है या बाद में तराशी गई? कंट्रोल, तू सीरियस है ना? नैना यहाँ आओ। कौन? मैं? हाँ तुम, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। क्या? नहीं आओगी? चलो मैं ही आ जाता हूँ। अरे क्या कर रहा है? सुना, अरे मरवाएगा क्या? क्या बात है? कल मेरे दोस्त ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था ना, तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? मोहब्बत का इजहार? दीदी, I love you, दीदी, दीदी, मुझसे प्यार कर लो, दीदी, दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, दीदी, मुझसे प्यार कर लो, I love you, दीदी, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा, I love you, दीदी, मैं खाना बनाऊँगा, कपड़े धोऊँगा, झाड़ू पोछा करके सब करूँगा, बस एक बार मान जाओ दीदी, I love you, दीदी, बहुत प्यार करता हूँ दीदी। उसे मोहब्बत का इजहार नहीं, भीख मांगना कहते हैं। दिखने में भिखारी जैसा है पर तिल का एकदम राजा है। तुम बस एक बार हाँ बोल दो, प्यार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पूछ कर बताती हूँ। किससे पूछोगी? अपने पापा से? नहीं, बॉयफ्रेंड से। दिल छोटा मत कर बिल्लू, तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी तरफ से है। सुनो नैना। क्या है? अगर मान लो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मेरा यार तुम्हारे लिए फिट था ना? शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है पर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं। नो वे। यही मेरी तकदीर है, सड़क के कुत्ते की तरह धुतकार कर चली गई। दिल तो करता है खुदकुशी कर लूं।